हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महंती आप लोग को बहुत दिन के बाद फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और कुछ कारण के वजह से मैं बहुत दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अभी कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए अच्छा अच्छा सेफ्टी रिलेटेड वीडियो अभी हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आऊँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि मैं फर्दर जो HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच पाए। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है ये टॉपिक हो गया आपका फायर फाइटिंग का जो मेथड है वो क्या है, क्या क्या मेथड से हम लोग फायर फाइटिंग करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला चीज हो गया कि हमको फायर फाइटिंग करने से पहले पहले फायर को आपको समझना पड़ेगा। तो फायर एक्चुअली है क्या? फायर एक्चुअली तीन चीज का कम्बिनेशन से फायर होता है। जैसे मैं आपको बता दिया, ऑक्सीजन एक हो गया और फ्यूल एक हो गया और एक हो गया हीट। ये जो तीनों चीज का मिलने से फायर होता है, ठीक उसी तरह अगर ये तीनों में से हम किसी एक चीज को अलग कर देंगे तो फिर फायर जो है वो बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए ये तीनों को हम एक को अलग करने के लिए हम जो लोग जो प्रोसीजर करते हैं, फर्स्ट हो गया मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि कूलिंग। तो कूलिंग जो मेथड है उसमें क्या है ना, आप जो हीट है वो हीट को कम कर देते हैं, जिसके चलते फायर कंट्रोल में आ जाता है। देन हम लोग सेकेंड स्टेप में चलेंगे स्मूदरिंग या ब्लैंकेटिंग भी इसको आप लोग बोल सकते हैं, यानी हम स्मूदरिंग या ब्लैंकेटिंग मेथड से क्या करते हैं ना, हम फ्यूल के ऊपर एक लेयर बना देते हैं कोई भी चीज़ से। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए हम सैंड जैसे डाल देते हैं, कोई चीज़ अगर जल रहा है तो उसके ऊपर सैंड डालते हैं, तो सैंड डालने से क्या होता है ना, उसके ऊपर हम लोग एक लेयर बना देते फ्यूल के ऊपर। तो इसको हम लोग ब्लैंकेटिंग या स्मूदरिंग मेथड बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट जो है वो फ्यूल के साथ नहीं हो पाएगा, जिसके चलते फिर आग बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा मेथड के ऊपर। तो तीसरा मेथड क्या होता है, ये होता है स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन में क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। इसमें हम लोग को फ्यूल को कटअप करते हैं। तो फ्यूल को कैसे कटअप करते हैं, मैं आपको एक सिंपल ही एग्जाम्पल देना दे के बताना चाहता हूँ। जेनुइन अगर हम लोग को कोई दूसरा जगह के बारे में बात करेंगे, सपोज मान लीजिए कुछ एक घर में कुछ फायर हुआ, तो उसके बगल में और कुछ घर है और उसमें भी कुछ फ्लेमेबल मटेरियल्स हो, बाकी सब घर में भी है। तो जिस घर में फायर हुआ तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, दूसरे वाला जो घर है उससे सारा फ्लेमेबल मटेरियल निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वही एक ही घर में फायर होके देन वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको और फ्यूल मिलता नहीं है। तो ये फ्यूल कटअप हो गया। ऐसे जेनुइन इसको, ये मेथड को हम लोग जब जंगल में फायर होता है उस समय भी ये मेथड को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जंगल में फायर होने के समय हम लोग को जहाँ पे फायर हुआ है उसका सराउंडिंग में करीब कुछ एरिया से पूरा फ्लेमेबल मटेरियल को हटा देते हैं, जैसे सूखा पत्ता हो या लकड़ी हो, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो क्या होता है ना, ऑटोमेटिक जो है फायर जितना उसको फ्यूल मिलेगा उतना फ्यूल खत्म होने के बाद वो क्लोज हो जाता है। वैसे ठीक अगर कोई पाइपलाइन में आपका मान लीजिए फायर हुआ है, तो पाइपलाइन में क्या होता है ना, उसका जितना इनकमिंग और आउटगोइंग जो वाल्व होता है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कर देने से क्या होता है ना उतना एरिया में जितना फ्यूल है वो जल के ख़त्म हो जाने के बाद फिर फायर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टार्वेशन मेथड। तो अभी मैं ये तीनों मेथड के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से समझा दिया। तो मेरे को ये आशा है कि ये टॉपिक भी आपको, छोटा टॉपिक है बट अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल सेफ्टी नॉलेज। धन्यवाद।